औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस है और आज हम इसके यूनिट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिज़नेस फाइनेंस। और हमारे इस सब्जेक्ट का कोर्स कोड नंबर 8402 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी है। और ये कोर्सेज स्टूडेंट मैं बता दूँ BBA ऑनर्स का और BEd 2.5 ईयर्स का, दोनों के लिए ये कोर्स एक ही जो है वो मुतय्यन किया गया है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस आ गया। अब ये क्या है, इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर द मीनिंग ऑफ फंड्स, इट्स इम्पॉर्टेंस, इट्स इन बिजनेस ऑपरेटिंग, इट्स रिक्वायरमेंट, स्टडीड ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड टाइप्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू द कंपनी। यानी कि एक क्या हम किसी कंपनी में कौन कौन से फंड्स और उसकी टाइप्स की उसको ऑपरेशन करनी हो, कि आपको पता है पैसों के बिना जो है कोई भी चीज़ नहीं चलती। इसी तरह बिजनेस जो है उसकी कोई भी चीज़ है वो पैसों के बिना नहीं चलता। आगे हम स्टूडेंट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग और कलेक्टिंग फंड्स इज जनरली रेफर टू द टू एज फाइनेंस। यानी कि जो कलेक्शन हम करना और जो रेस फंड करना, ये असल में इसका ताल्लुक सारा का सारा फाइनेंस से है। फिर द फाइनेंस इंक्लूड परफॉर्मिंग ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज एंड टास्क फॉर रेजिंग एंड कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट कैश फॉर बिजनेस टू मीट इट्स ऑपरेशनल एंड इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो इसी से पूरे होते हैं फाइनेंसिंग करने से। फिर द फंड्स मैनेजमेंट इज अ बिजनेस रिक्वायर्स स्किल्ड स्टाफ विच कैन अरेंज द फंड्स ट्रांजेक्शन इन एन ऑप्टिमल वे, पुटिंग द फ्यूअर बर्डन ऑन द बिजनेस। यानी कि ये भी हम इसमें देखेंगे। आगे चलते जी ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के, वो हमारे पास क्या है, फाइनेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन बिजनेस हम देखेंगे। फिर है जी द प्रोसेस ऑफ फाइनिंग द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे नंबर 3 पे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल इन द इन ऑफ फर्म हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे डीलिंग विद द बैंक्स ऑन द फाइनेंस मैटर हम देखेंगे। फिर है जी अंडरस्टैंडिंग अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे जी एनालाइजिंग रिस्क एंड फाइनेंस मैटर्स फाइनेंशियल मैटर्स हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस की अहमियत होती है, वो क्या है, द एग्जिस्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स रिसोर्सेज लाइक बिजनेस प्लानिंग मशीनरी कंप्यूटर फर्नीचर एक्सेट्रा होता है। दीज रिसोर्सेज आर यूज बाय द मैनेजर इन द बिजनेस बाय हायरिंग डिफरेंट लेबर फॉर परफॉर्मेंस द प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग एक्टिविटीज। जिसमें क्या जी आफ्टर कंसीडरिंग द कंपीटिंग एक्टिविटीज advantages and disadvantages of particular types finance financial source and selecting to meet the financial requirements of the business। जैसे कि आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे कैश फ्लो होते हुए देख रहे हैं, पूरे का पूरा जो कैश है ये एक साइकिल पे जाते हैं। जैसे कि पहले कैश है, फिर इसमें हम देखते हैं जी परचेज स्टॉक होता है, फिर क्या सप्लायर, इसके बाद पेमेंट होती है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर सेल होता है और फिर क्या डेबिटर के पास जाता है। तो यूँ जो है पूरे का पूरा कैश फ्लो होता है फाइनेंस के अंदर। तो ये अहमियत है फाइनेंस की। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हम देखेंगे यूजेज ऑफ फंड्स क्या है। तो इसके अंदर क्या है जी एक्विस्टेंस ऑफ फिक्सिंग एसेट्स। फिर है जी पेमेंट और टू द क्रेडिटर्स कैसे होता है। फिर है जी पेमेंट फॉर द ऑपरेशन एक्सपीरियंस की अहमियत है। फिर है जी पेमेंट्स ऑफ सेल्स एंड वेजेस जो डेली देना होता है कैसे ही होता है वर्कर्स को, ये भी फंडिंग पे डिपेंड करता है। फिर जी इंसेंटिव्स फॉर द डीलर्स एंड सेलर एजेंट्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास है जी
सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसमें क्या है जी हमारे पास इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या आता है जी, यानी अंदरून किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिपेंडेंट फंड्स होता है, वो क्या रिटेलर प्रॉफिट क्या है। फिर हमारे पास है सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, फिर कटिंग डाउन स्टॉक लेवल, फिर हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि बाहर किस तरह से फंड आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। फिर उसमें क्या जी हमारे पास होता है इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स है, फिर हमारे पास इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स, टर्म्स फाइनेंस एंड सर्टिफिकेट जैसे TFC कहते हैं हम शॉर्ट टर्म में। फिर है जी लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, उसमें भी होता है। फिर हमारे पास ग्रांट्स भी हमें मिलती हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहा है ये जी मेथड्स, ये सॉरी मीडियम टर्म फाइनेंस, इसमें हमारे पास होते लीजिंग होता है, फिर हमारे पास होते हायरिंग परचेजिंग होते, फिर हमारे पास होते मीडियम टर्म लोन होते, फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते, फिर हमारे पास क्रेडिटर्स की तरफ से होते, फिर हमारे पास फाइनेंस बैंक बैंक ओवरऑल ड्राफ्ट होते, फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स होते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट होते हैं, इसके बाद हमारे पास डेबिट फाइनेंसिंग होती, फिर हमारे पास कमर्शियल पेपर होता है, और इसके बाद हमारे पास क्रेडिट छोटे कार्ड्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंटरनल होते हैं और हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं। जैसे कि हमने मैंने आपको ये भी बता दिया ये लॉन्ग टर्म है, और ये सारी आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने इधर ही आपको बताया। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आता है डाम फाइनेंशियल लाइफ साइकिल। ये क्या है जी, इन एन एंटरप्रेन्योरशिप द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस बाय गेटिंग अ स्मॉल फंड्स थ्रू द सेविंग्स ऑफ फैमिली लोन। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं यानी कि न्यू एक बिजनेस या एक नए आइडिया के साथ जनरेट करने वाला बिजनेस, उसको फाइनेंशियल लोन्स मिलते हैं। उसके बाद क्या, और उसको कैसे मिलते हैं फाइनेंशियल लोन साइकिल टू द कंसेप्ट रिस्पेक्ट टू द ग्रुप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस। उसके अंदर स्टूडेंट्स जैसे ये बहुत अहम तरीन इम्पॉर्टेंट एक आप यहाँ पे ये टेबल देख रहे हैं, इसमें यहाँ दिया फेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी जिंदगी में देख लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी यही सिस्टम उसका होता है जिसके ज़रिए वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है या उस वो नीचे जाते हैं। तो सबसे पहले बताऊँ, एक पहले इंसान कंसेप्ट बनाते हैं किसी प्रोडक्ट का, फिर उसका स्टार्टअप लेते हैं, फिर ग्रोथ होती है, और एंड में जो है वो उसकी एक्सपेंशन होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसका एक ग्राफ है, ये पब्लिक मार्केट में जा रहे वेंचर के कैपिटल है और सीड फंड है, और उसके बाद ग्रांट मिलती है। तो यूं ही कभी कभी वो उस रिस्क लिए जा रहे, कभी उसकी ग्रोथ होती, कभी सेल्स की ग्रोथ, कभी इंक्रीज होता है, और फिर एंड में डिक्लाइन भी चला जाता है, ये भी होता है। यूं एंड होता है, किसी की स्टार्टिंग होती है और किसी की एंडिंग होती है। और कभी कभी जैसे पेप्सी कोला जैसे जो फ्रेंचाइजी, इनकी 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 पीक ही चलती है, इनकी एंडिंग कभी नहीं हो सकती। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रहे हैं जी अबव, ये जो ग्राफ है जो हमने आपको पीछे बता दिया उसके बारे में था। उसके बाद हम चल रहे हैं जी, ये जी कंसेप्ट एंड आइडिया जनरेट होता है, फिर स्टार्टअप होता है, ग्रोथ होता है, एक्सपेंस होता है, और फिर होता है जी इक्विलेंट इक्विटी जो होता है, इनका शेयर होता है। इंट्रोडक्शन टू इक्विटी हम देखते हैं, तो क्या पहले उस बता दूँ, ये सोर्सेज थे बिजनेस फर्म के कि फंड्स होते हैं, इक्विटी इसमें होती है, और डेबिट जो कैपिटल, ये दोनों मिलके जो बनते हैं, ये आपके बनता है जी, ये बिजनेस फर्म बनती है। तो अब हम चल रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जो इक्विटी कैपिटल, इसमें क्या है जी, द फंड्स ऑफ बिजनेस आर ऑब्टेन इक्वली फ्रॉम द टू मेन सोर्सेज, यानी कि ओनर्स एंड लीडर्स। फिर क्या है जी, हमारे पास आ रहा है जी द, ये टेबल हमें जो है ये बता रहा है राइट पे, और ये बता रहे जी ऑब्लिगेशंस और डेबिट्स एंड इक्विटी टू और कैपिटल, और ये आपके सामने आ गया जी। ये डिफरेंस बिटवीन क्या है जी डेबिट एंड इक्विटी के बारे में, तो पहला जी है डेबिट क्या है, नो नॉट एन ओनर इंटरेस्ट, इधर क्या है जी इक्विटी में ओनर का इंटरेस्ट होता है। फिर हमारे से क्रेडिट डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इधर जो है वोटिंग राइट होता है। यानी फिर हमारे पास है इंटरनेट इंटरेस्ट कंसीडर आ कॉस्ट डू नॉट बिजनेस, एंड इधर से टैक्स, इधर ये टैक्स देना पड़ता है। इधर के क्रेडिटर्स हैव लीगल रिकोर्स एंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट एंड मिसिंग, उधर जबकि इधर के डिफरेंस आर नॉट लाइबिलिटी, इधर स्टेक होल्डर्स के ऊपर ये नो लीगल इसमें पे नहीं करना पड़ता। फिर है जी
एक्सिस डेबिट कैन बी लीड टू द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड बैंक्रप्शन। यहाँ पे बैंक्रप्शन का जो है डर होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, एंड ऑल इक्विटी फर्म्स कैन नॉट बी बैंक्रप्ट। ये इक्विटी में बैंक्रप्टेड आप नहीं होते, जबकि डेबिट में हो जाते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये हमारे पास आ रहा है जी सिंगल ओनर इक्विटी कैपिटल हमारे पास है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फिर हमारे पास है जी, इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। फिर है जी पेरेंट्स इक्विटी कैपिटल, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। फिर हमारे पास है जी, जिसके दो दो किस्में होती हैं। एक है जी हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, दूसरा हमारे से होते हैं मुस्कार का सर्टिफिकेट हमें मिलता है उसके ऊपर। फिर है जी नंबर थ्री, ये कि शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल, ये कंपनी है कैसे बनती है, इसमें क्या बनती है, ऑर्डिनल शेयर्स होते हैं और एक होते हैं प्री प्रेफर्ड शेयर। फिर है जी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस शेयर्स होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं रिडीमेबल शेयर्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहे हैं जी मेथड्स ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल। उसमें हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ इंडिविजुअल सेविंग। फिर हमारे पास आती है जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर हमारे पास आते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। फिर हमारे पास आते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और फिर हमारे पास आ रहे हैं जी प्राइवेट प्लेसमेंट। ये पांच आती हैं। आगे जी हमारे पास है बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। वो हमारे पास है जी बेनिफिट ऑफ इक्विटी कैपिटल में आता है, नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। फिर हमारे पास है लार्ज फाइनेंसिंग। फिर हमारे पास गुड रेपुटेशन होनी चाहिए। फिर हमारे पास आइडियल फॉर एक्सपेंशन होनी चाहिए। फिर पास होती है बिल्डिंग इन्वेंट्री ट्रस्ट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आ रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसमें हमारे पास आते हैं पब्लिक सेक्रेटरियन आता है। फिर पास आते नॉन रिवर्सिबल ट्रांसैक्शन आते हैं। पास डिफरेंट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग इन्वेंट्री आता है। फिर हमारे पास ओनरशिप कंट्रोल आते हैं। फिर हमारे पास प्रॉफिट जो है शेयरिंग करें। फिर आप यहाँ पे देखिए इक्विटी फाइनेंस, यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये हैं जी कैपिटल होता है, और दूसरी क्या है परमिनेंट कैपिटल दैट इंक्रीज द कंपनीज नेटवर्थ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग एंड स्ट्रेंथ आता है। और उसके बाद हमारे पास एनहेंस के क्रेडिबिलिटी आती है। फिर पास नो स्केजुअल पेमेंट आते। फिर पास आते नो पर्सनल लाइबिलिटी आते। फिर पास एक्सपर्टीज ऑफ द इन्वेंट्री आते। फिर पास आते अकाउंटेबिलिटी। फिर पास इधर अगर हम जाते डिसएडवांटेजेस, देखिए इक्विटी फाइनेंसिंग की तो वो क्या है, पास डिल्यूट्स ओनरशिप। फिर है जी मोर एक्सपेंसिस डेट डेबिट वेन सक्सेसफुल। फिर नो मीन्स ऑफ रिवर्सिंग ट्रांजेक्शन। फिर है जी गिविंग अप कंट्रोल एंड फ्लेक्सीबिलिटी। फिर है डिफिकल्ट इन फाइंडिंग इन्वेस्टर्स, ये डिफ़िकल्टी हो जाती है, ये इसमें है। आगे चलते जी हमारे पास है डेबिट कैपिटल। इसमें जी हमारे पास आते हैं इंट्रोडक्शन टू डेबिट कैपिटल। इसमें इन द प्रीवियस टॉपिक वी स्टडी द इम्पोर्टेंस एंड द रोल ऑफ इक्विटी कैपिटल इन द प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बिजनेस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने एक ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है टाइम है, और यहाँ पे हमारे पास जो है डेबिट है, और यहाँ पे इक्विटी है। और यहाँ पे अगर एक इक्विटी यहाँ पे और यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बता दे रहे कि डेबिट अच्छा है कि इक्विटी अच्छी, हमारे ख्याल में इक्विटी अच्छी है। वो क्यों अच्छी है, लोअर इन इंटरनल कॉस्ट है बट हायर रियलाइज्ड कॉस्ट इन फॉरवर्ड वैल्यूबिलिटी। जबकि डेबिट में हाई इंटेंस कॉस्ट होती है, बल्कि बट लो स्टडी फिक्स्ड कॉस्ट इन द फॉरवर्ड वैल्यूएशन होती है। तो आगे स्टूडेंट चलते हैं, हमारे पास आ रहे टाइप्स ऑफ डेबिट कैपिटल। इसमें क्या है जी, हमारे पास शॉर्ट टर्म डेबिट होते हैं, जिसमें क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट होते हैं, फिर कॉल लोन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड बैंक लोन्स होते हैं। फिर हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट होते हैं। फिर हमारे पास फैमिली लोन्स होते हैं, और फिर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है लॉन्ग टर्म डेबिट्स। इसका इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड बैंक लोन्स होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं डिबेंचर्स होते हैं, और TFCS होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं नंबर थ्री पे बॉन्ड्स होते हैं। फिर हमारे पास नंबर फोर पे लीडिंग होते हैं, सॉरी
लीजिंग होता है। फिर हमारे पास आते हैं जी नंबर 4-5 पे सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंट्रीज आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं नंबर 6 पे टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट्स सॉरी आगे चलते हैं जी हमारे पास फिर आते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक लोन, इसमें हमारे पास आते हैं फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स आती है। फिर हमारे पास आते प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन पे आते बैंक सिलेक्शन। फिर हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पे हमारे लोन अप्रूवल। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ डेबिट जो है कैपिटल तो इसमें क्या जी हमारे पास आते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ डेबिट कैपिटल, उसके अंदर फिक्स पेमेंट। फिर हमारे पास है नो ओनरशिप ट्रांसफ़र। फिर हमारे पास है टैक्स बेनिफिट्स। फिर हमारे पास जी आता है ग्रोथ फ्रेंडली। फिर हमारे पास आता है जी इजी टू एक्वायर। फिर हमारे पास है कॉस्ट एंड डेबिट कैपिटल। फिर हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट। फिर हमारे पास है जी टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर हमारे पास है जी रीपेमेंट स्केड्यूल। फिर हमारे पास है जी मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्ट्स एंड क्रेडिट क्लेम्स ऑन एसेट्स। आगे स्टूडेंट चलते हमारे पास आता है जी फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें हमारे पास आता है जी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। फिर हमारे द फॉलोइंग आर द ड्रॉइंग टू द स्टेप्स टू बी द फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस आता है जिसमें हमारे पास आता है जी गेटिंग फाइनेंशियल। इसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग द यूज़ ऑफ गोल्स आता है। फिर हमारे पास एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन आती है। फिर हमारे पास आता है कंट्रीब्यूटिंग ऑफ फाइनेंसिंग प्लान फॉर यू आता है। फिर हमारे साथ इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेंथ इन द प्लान आता है। फिर हमारे पास रिव्यू द प्लान एंड स्ट्रेंथ एनुअल आता है। तो यूँ जो पूरे का पूरा साइकिल है ये द फाइनेंस प्लानिंग का प्रोसेस चलता रहता है। आगे स्टूडेंट चलते हमारे पास आता है जी डेवलपिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें क्या है जी नंबर स्टेप नंबर 1 पे डिटरमिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कौन सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये हम क्लियर करते हैं। फिर हमारे पास है जी आइडेंटिफाई फाइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फिर हम अपने जहाँ से हमें सोर्सेज मिल रहे हैं फंडिंग मिल रही है वो हम देखते हैं। फिर नंबर 2-3 पे हम इवेल्यूएट द फंड ऑप्शन, हम देखते हैं हमें कहाँ से फंड दस्तियाब होते हैं उन पर नज़र आसानी करते हैं। फिर हमारे पास है सिलेक्टिंग फंड ऑप्शन, हम उनको उन पर गौर फिक्र करते हैं। फिर हमारे पास ऑप्टेनिंग फंड, फिर हम फंड्स को देखते हैं। फिर हमारे पास होते रिव्यूइंग फंड प्लान, फिर हम फंड प्लान करते हैं कि वहाँ से हमें मिल भी सकते कि नहीं। आगे स्टूडेंट चलते हमारे पास है जी प्रिपेयरिंग बजट, इसमें क्या जी सेल बजट होता है जिसमें हमारे पास एक्सपेंसेस बजट होता है। फिर ये प्रॉफिट बजट होता है। फिर हमारे पास कैश बजट है। फिर हमारे पास प्रोडक्शन बजट होता है। फिर हमारे पास लेबर आती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने प्रोडक्शन बजट के नीचे जो है ये तीन चीज़ें आ रही हैं, यानी कि लेबर आ रही है, रॉ मटेरियल बजट आ रहा है और एक्सपेंस बजट आ रहा है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी हमारे पास है द रोल ऑफ फंडिंग सॉरी द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इसके अंदर हमारे पास आते प्रिपेयर बजट्स आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आते हैं। फिर हमारे पास एनालाइज हम करते हैं एनालाइजेशन ऑफ के फंडिंग ऑप्शन करते हैं। फिर हमारे पास है मेकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं। फिर हम कहते हैं नेगोशिएशंस विद द लीडर्स करते हैं। फिर के डीलिंग विद द बैंक करते हैं। फिर कस्टोडियंस ऑफ कैश को हम देखते हैं। फिर रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स को हम देखते हैं। फिर हम प्लानिंग ऑल्टरनेट फाइनेंशियल ऑप्शंस को देखते हैं। फिर हम डील्स विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अब हम एंड में देखेंगे इसकी समरी, जो कि आपसे सामने समरी आ रही है इस यूनिट की, वो क्या है जी आप बिजनेस कैन नॉट फंक्शन विदाउट गेटिंग एडिक्वेट फंड्स फॉर परचेजिंग एसेट्स पेमेंट्स बिलिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स, यानी कि फंड्स के बिना फाइनेंस के बिना कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता, यहाँ बताने का मतलब। फिर द एरिया ऑफ फाइनेंस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस, यानी कि बहुत अहमियत का हामिल जो है वो फाइनेंस ही होता है बिजनेस को रन करने के लिए। फिर है जी जनरली वी कैटेगराइज फाइनेंस इन टू कैटेगरीज इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेबिट फाइनेंस, यानी कि हम जनरली दो किस्म की जो होते हैं फाइनेंसिंग की टाइप से, एक है इक्विटी फाइनेंस और एक है डेबिट फाइनेंस। फिर द इक्विटी फाइनेंस रेफर टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी
टूटा बिजनेस, यानी कि जो ओनर्स कैपिटल होता है यही आपकी इक्विटी बिजनेस है, जो कि ओनर से रेफर से मुस्तलिक उससे उसका रबता होता है। फिर द कॉस्ट ऑफ डेबिट फाइनेंस इज इंटरेस्टिंग पेमेंट ऑफ द बोरोड फंड, यानी इसका ताल्लुक जो होता है डेबिट फाइनेंस का, इसका ताल्लुक है बोरोड फंड, या आपने किसी बैंक से या किसी से अपने उधारे पैसे लिए उससे, उस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट होती है। फिर द सिलेक्शन और द सिलेक्शन ऑफ वेदर टू गेट इक्विटी और डेबिट इज़ बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल प्लानिंग पे ही मुनसर होता है कि वो इक्विटी को कैपिटल की तरफ जाए या डेबिट की तरफ जाए। फिर द फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन बाय मैनेजिंग द इंक्लूड्स मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ सेलिंग इनकम एंड एसेट बेस्ड ऑफ ऑन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिसाइडेड हाउ टू मीट दिस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कैसे उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से मिलने, ये भी इस पर भी गौर फिक्र की जाती है फर्म के अंदर। फिर है जी जनरली बिजनेस फर्म्स सीक टू मैक्सिमाइज अर्निंग फॉर ओनर्स एम्प्लॉयज कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, ये जो है कॉम्बिनेशन होता है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का, अगर आपने अपनी बिजनेस फर्म्स की अर्निंग बढ़ानी है। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 अख्ताम पजीर होता है बिजनेस फाइनेंस का, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल मोहम्मद सबरा खान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मुझे फीएम आने लगा मुझे दो में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका हमें नासिर हो।